चाची का ढाबा पूरे गांव के हर सवाल का जवाब था। जब लोग हर जगह से परेशान हो जाते, उसका हल ढूंढने चाची के पास ही आते। ऐसे ही एक दिन निर्मल और बीरबल अपने दोस्तों को तलाश करते करते चाची के पास पहुंचे। अरे चाची प्रणाम। अरे कैसी हो चाची? खुश रहो। कार बीरबल, सुने तुम भूत लोग के साथ लूडो खेल रहा था रात में? अरे चाची बूढ़ी हो गई पर मजाक का आदत नहीं छूटा। भूत प्रेत को लेकर हम मजाक नहीं करते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों आज रास्ता कैसे भटक गए? अरे रास्ता भटकते तो यहाँ थोड़ी आते। अरे हम लोग तो रास्ता देखने आए हैं। कहाँ का रास्ता देखना है, जन्नत का या जहन्नुम का? का मतलब कौन सा रास्ता देखना है? अरे चाची हम लोग अपने दोस्त लोगों को ढूंढ रहे हैं, बहुत दिन हो गया अब तक घर पर ही नहीं आए हैं। कौन से दोस्त? अरे वो तीन बेकार टाइप के लोग थे, हमेशा आपके ढाबे पर ही टाइम पास किया करते थे। बेटा देखो, वैसे तो तुम दोनों के सारे दोस्त बेकार ही टाइप के हैं, और सबसे बड़े बेकार हो तुम दोनों खुद। दूसरा बात ये है कि हमारा ढाबा है, कोई पार्लियामेंट नहीं है जहाँ सब टाइम पास करें। यहाँ सब कुछ काम करने से ही आते हैं और काम की बात सीख कर जाते हैं, समझे? अरे चाची उन तीनों को जासूस बनने का बड़ा शौक था, और उनके घर वाले बता रहे थे कि वो तीनों घर से बोलकर निकले थे कि आज पप्पू ठाकुर की दुकान पर जाना है। क्या पप्पू ठाकुर की दुकान पर? हाँ, लेकिन पप्पू ठाकुर का नाम सुनकर आप घबरा क्यों गए यहाँ? नहीं नहीं, घबराए नहीं है, पर वो लोग पप्पू ठाकुर की दुकान पर गया तो फिर उनको वहाँ ढूंढो। लेकिन चाची उनके घर वाले बोल रहे थे कि वो आपके साथ जाने वाले थे। पर हम क्या करेंगे पप्पू ठाकुर का दुकान पर? अरे हाँ यार, पप्पू ठाकुर तो जेंट्स लोगों के बाल और दाढ़ी काटता है, चाची वहाँ जाकर क्या करेंगी? हम कहाँ से तुमको जेंट्स नजर आ रहे हैं? हाँ कहीं से भी नहीं। तो फिर हम वहाँ क्या करने जाएंगे बताओ जरा। हाँ यार चाची बात तो सही बोल रही है। अरे तो अब क्या करें चाची? गधा हो क्या एकदम, जाओ पप्पू ठाकुर की दुकान पर थोड़ा सावधान रहना। कहे? पप्पू ठाकुर की दुकान के पीछे कब्रिस्तान है, पता है ना? उस कब्रिस्तान का प्रेत बहुत खतरनाक है। क्या कब्रिस्तान का प्रेत? अरे चाची हमको डरा क्यों रही है? आपको तो पता है ना कि हमें भूतों से कितना डर लगता है। अब जो सच है हम बता दिए, थोड़ा ध्यान रखना। चाची के कहने पर निर्मल और बीरबल पप्पू ठाकुर की दुकान, जो गांव की एकमात्र नाई की दुकान थी, वहां पहुंचे। पर दोनों की हालत डर से खराब हो रखी थी। एक बार पहले भी दोनों भूतों के अड्डे पर फंस चुके थे, जहां उन्हें दो चुड़ैलों के साथ लूडो खेलना पड़ा था, और किसी तरह बचकर भागे थे। तब से दोनों भूतों से बहुत ज्यादा डरते थे। पप्पू भाई दुकान पर ही हो क्या? अरे हाँ, लेकिन अभी बहुत लोगों का नंबर है, आप लोगों को वहीं खड़ा रहना पड़ेगा जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता। पर हम लोग को बाहर डर लग रहा है यार। अरे भैया तो बाल कल कटवा लीजिए ना फिर। हम लोग को बाल नहीं कटवाना है। अरे तो क्या दाढ़ी कटवानी है, वो भी कल कटवा लेना। अरे नहीं वो भी नहीं, हमें तो बस बात करनी है। अरे भैया आप लोगों को टाइम पास करना है तो चाची के ढाबे पर जाओ ना, हमको यहाँ पर बहुत काम है। अरे पप्पू भाई बस दो मिनट, बहुत जरूरी बात है। अरे हाँ पप्पू भाई, हम लोग तो खुद यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। कहे? यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, भूकंप आने वाला है क्या? अरे नहीं भाई, भूत। क्या? हाँ भूत मतलब कब्रिस्तान का प्रेत। कब्रिस्तान का प्रेत शब्द सुनते ही पप्पू ठाकुर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर अचानक उसने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा और बोला, ये सब किसने कहा है तुमसे? पप्पू की आवाज बदल गई थी और चेहरा भी थोड़ा अजीबोगरीब हो गया था। बीरबल की हालत तो पहले ही खराब थी,
वो कूद कर निर्मल के ऊपर चढ़ गया। अरे बीरबल, इसको क्या हुआ? कहीं इसके अंदर भी प्रेत तो नहीं घुस गया? अरे नहीं, अरे पता नहीं, मतलब अरे पप्पू भाई, ये सब चाची बोली है हमसे। अरे हम तो एक शब्द भी नहीं कहे थे। अरे चाची का दिमाग खराब हो गया है। अरे हाँ, हमको पता है, सठिया गई हैं चाची, कुछ भी बोलती हैं। अरे हाँ, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम लोग तो आपसे मिलने आए थे, सुने हैं कि आपका शादी हो गया है। हाँ भाई, आपको कौन बताया ये सब? अरे हमारा दोस्त लोग बताया है। कौन दोस्त भैया? अरे वो तीन बेकार टाइप के आदमी नहीं थे, जो चाची के ढाबा पर हमेशा टाइम पास किया करते थे। जासूसी का बहुत शौक था जिनको। अच्छा, वो तीन गायब हो गए हैं? क्या? अरे इसको पता है, मतलब पक्का यही प्रेत है। अरे हाँ, मगर आपको कैसे पता पप्पू भाई? अरे दुकान पर इतने सारे लोग आते हैं, अपने गांव की बात तो बताएंगे ही ना। अरे हाँ ये भी है, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, अरे हमको काहे पता होगा भैया? काहे कि वो तीनों चाची के साथ यहाँ पर जासूसी करने आए थे। जासूसी? लेकिन यहाँ पर काहे? कब्रिस्तान का प्रेत के लिए। क्या बोला? पप्पू ठाकुर की आवाज फिर बदल गई और इस बार उसने बीरबल की गर्दन पकड़ ली। पप्पू भाई, हम नहीं बोले, कसम से चाची बोली थी। अरे हाँ पप्पू भाई, चाची ने ही बताया था कि वो तीनों आपको शादी की बधाई देने आए थे। हाँ भाई आए थे, लेकिन वो लोग वापस भी चले गए थे चाची के पास। अब आपको चाची ही बता पाएंगी कि वो लोग कहाँ पर हैं। अरे पर चाची तो हमको यहाँ भेजी, बोली कि पप्पू ठाकुर को पता होगा। अरे भाई वो पता तो हमको है, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। देखा, इसको पता है, हम बोले रहे कि यही प्रेत है। अरे तू रुकना भाई। अरे पप्पू भाई, क्या पता है आपको? अरे दरअसल बात ये है कि तीनों को चाची खा गई होगी। क्या? और सबको खिलाई भी होगी। क्या? कैसे? चाची के ढाबे पर जो नॉनवेज बनता है ना, वो इंसानों का गोश्त होता है, इसलिए इतना टेस्टी लगता है का? अरे आप खाए हैं क्या? अरे बहुत बार, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो आदमी का है। अरे छी चाची, का खिला दी हमको, छी। ए भाई, लेकिन ये सब आपको कैसे पता पप्पू भाई? भैया चाची के ढाबे पर काम करने वाले कुछ लोग यहीं पर बाल और दाढ़ी कटवाने आते हैं। उन्होंने बताया कि चाची चुड़ैल है और आदमियों को खाती है। क्या? चाची चुड़ैल है? अरे इस गांव में तो आदमियों से ज्यादा चुड़ैले घूम रही हैं। अरे पर वो हम दोनों को यहाँ पर क्यों भेजी है? अरे अपने आदमी खाई और नाम कब्रिस्तान के प्रेत पर लगाई, और क्या? क्या उसकी इतनी हिम्मत? आज रात को ये सच्चाई सबको पता चलेगी, और तुम लोग भी देखना, ठीक है? पप्पू की आवाज फिर बदली और इस बार उसने निर्मल बीरबल दोनों को कस कर पकड़ लिया। अरे पप्पू भाई, हमको छोड़ दो, हमको कुछ नहीं देखना। एक बार वैसे ही हम लोग चुड़ैलों के साथ लूडो खेल चुके हैं, अब उनके साथ खाना नहीं खाना यार। नहीं, आज तो तुम लोगों को सच दिखाना ही पड़ेगा। पप्पू ने दोनों को अपनी दुकान के अंदर ही बंद कर दिया। रात होने पर उसने दरवाजा खोला और दोनों को साथ चलने को कहा। दुकान से निकलकर पप्पू उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले गया और वहां एक पेड़ के पीछे तीनों छुपकर किसी का इंतजार करने लगे। अरे पप्पू भाई, बहुत डर लग रहा है यार। और वैसे भी चाची खाना तो ढाबे पर बनाएगी ना? अरे लगता है आज चाची का कब्रिस्तान के प्रेत के साथ पिकनिक है। अरे पर पिकनिक तो दिन में करते हैं ना? अरे पर भूत लोग तो रात में करते हैं ना? अरे कहीं खाना हम दोनों ही तो नहीं है? अरे
चाची, अरे चाची आ गई, अरे पप्पू भाई भागो, अब कब्रिस्तान का भूत भी आएगा। आएगा नहीं, आ गया। तो तू यहाँ छुप कर बैठा है मेरे डर से? तेरे डर से? अरे तुझे पता है क्या, ये कब्रिस्तान मेरा है। पर यहाँ लोगों को तुझसे ज्यादा मैंने मारा है। ए भाई निर्मल, ये सब कहाँ हो रहा है? अरे हमको भी नहीं पता, ये चाची और पप्पू क्या कर रहे हैं? अरे हमको नहीं लगता कि हमारा दोस्त लोग अब मिलेगा भी। पप्पू और चाची का ये रूप देखकर निर्मल बीरबल की डर के मारे हालत बुरी हो गई, पर पप्पू और चाची की बहस का फायदा उठाकर दोनों वहां से किसी तरह जान बचाकर भाग गए। लेकिन उस रात के बाद निर्मल बीरबल न कभी पप्पू की दुकान पर गए, न ही चाची के ढाबे पर।